टाइम वो टारगेट हिट करता है, तो वो टारगेट मिस कितने टाइम करता है, 1 out of every 4 मिस 25% टाइम। उसको अगर कोई टारगेट दिया हुआ है उसको यहाँ से कितना फायर करना है पहले तो ये पूछा है, कितनी बार नहीं पता हमको, लेट ही फायर एन टाइम्स, मान लो वो कितने टाइम करता है, एन टाइम्स क्या करता है, फायर करता है, हिट और मिस तो बाद में होगा, तो उसने कितने फायर किए, लेट ही फायर द टारगेट एन टाइम्स। और क्या लिखेंगे फिर, एक्स लिखते हैं, एक्स क्या डिनोट करता है, लेट एक्स डिनोट्स, क्या चीज डिनोट करेगा एक्स, द नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स ही हिट्स द टारगेट, वो टारगेट हिट कितने टाइम करता है, वो एन हो गया, बताओ आप क्या लिखेंगे, एक्स क्या है, अगर उसने एन टाइम फायर करा है तो वो हिट कर सकता है 0 टाइम भी 1 टाइम भी 2 टाइम 3 4, इन्हीं में से कुछ भी हो सकता है, अगर उसने एन टाइम फायरिंग करा तो इन्हीं में से कोई ना कोई केस होगा, इनके सिवा हो ही नहीं सकता, या तो वो 0 हिट करे या 1 2 3 4, बाय चांस एन के एन भी हिट कर सकते हैं, हमको कौन सा केस निकालना है, एटलीस्ट 1 और उससे ज्यादा, 1 वाला और उससे ज्यादा वाला, इन सब का जो आंसर है वो हमको पता है, ये आंसर मोर देन दिस है 0.99, तो ये आंसर निकालने के लिए 1 में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज 0, अगर 0 वाला केस हटा दिया तो अपने आप ही 1 या उससे ज्यादा वाला एटलीस्ट 1 वाला केस है, उसका जो भी आंसर है एटलीस्ट 1 का जो भी आंसर इज मोर देन 0.99 या 99/100 कह सकते हैं। अब 1 माइनस क्या मतलब है, 0 क्या है, क्या चीज 0 है, 0 टाइम वो हिट कर रहा है, कितने फायर में से, एन में से, हमको पता है कि उसने एन टाइम फायरिंग करा लेकिन हिट 0 टाइम कर रहा है, तो हिट करने वाले ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 टाइम है, तो मिस कर रहे हैं सारे के सारे 1/4 मिस कर रहे हैं एंड टाइम, दैट इज मोर देन 99/100, कोई भी C01 होता है किसी भी चीज की पावर 01, ये बचा आंसर। फिर हम इस +1 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, यहां पर बचा -1/4 की पावर n इज ग्रेटर देन -1/100, इसका आंसर आएगा -1/100, अगर माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं तो ये रिवर्स होकर लेस देन, अब 1/4 की पावर n इज लेस देन, ये कब होगा इस आंसर इससे लेस, n इज इक्वल टू 1 में नहीं होगा, n इज इक्वल टू 2 में भी लेस नहीं है, 3 में भी लेस नहीं है, 4 में है यस, 5 में है, 6 में है, बाकी सब में यस है, तो मिनिमम कौन सा होगा इसमें, 4, याद है एक सेम क्वेश्चन 29 द डिटोर सेम। A coin is tossed. Toss करें हर बार या तो head आएगा या tail, और तो कुछ आ ही नहीं सकता। Head आने का chance क्या है? Half. Probability of getting tail is also half. उन्होंने कहा इस coin को कितनी बार कम से कम toss करें? How many minimum number of times must this coin be tossed? How many minimum number of times? कितनी बार कम से कम इसको toss करें? So that probability of at least one head, probability of at least one head is more than 90%. Same equation है इनको, बताओ कितनी बार toss करें coin को, एक बार, दो बार, 10 बार 100 बार, ये नहीं पता, तो let the coin, मान लो जो coin है that be tossed n time, toss करते हैं, अगर n time toss करते हैं और x denote करता है, क्या denote करता है, number of times, x denotes क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ हेड्स, अगर हमने एन टाइम टॉस करा तो हेड क्या पता है एक बार भी ना आए, बिल्कुल हो सकता है ना, 0 to n में से एक बार ही हेड आए, दो बार आए, तीन बार आए, चार बार, बाय चांस ऐसा भी हो सकता है कि सारे एन की एन टाइम हेड आ जाए, ये हो सकता है हेड 0 टाइम भी आ सकता है, 1 टाइम भी, 2 भी, 3 4 एन के एन भी, कौन सा केस कहा उन्होंने, एट लीस्ट 1 हेड, जब हेड एटलीस्ट 1 का मतलब 1 या उससे ज्यादा, 1 या उससे ज्यादा, इन सब का टोटल जो आंसर है वो मोर देन 90% है, क्या इनका आंसर मोर देन 90%, बताओ क्या लिखेंगे, ये आंसर निकालने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज 0, जो भी आंसर है कौन सा आंसर आएगा, इसको 0 को माइनस करा तो अपने आप ही 1 या उससे ज्यादा एटलीस्ट 1 हेड वाला आंसर आ गया, दैट इज मोर देन 90%, 90 out of 100, या अब 1 माइनस क्या कह रहे हैं, 0 बार क्या है, एन सी 0, 0 क्या चीज है, 0 बार हेड आ रहा है,
कितने थ्रो में से, n थ्रो में से, n थ्रो में से हेड कोई भी नहीं है, n में से जीरो टाइम हेड है, जो हेड है वो जीरो टाइम है, तो n के n टेल है, तो 1 by 2 की पावर n, this answer is more than 9 by 10, ये क्या हो गया 1, ये भी 1, अब प्लस 1 को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा माइनस 1, यहां पर बचा माइनस 1 by 2 की पावर n is greater than minus 1 by 10, अगर माइनस से माइनस करते हैं तो ये रिवर्स होकर लेस है, ये आंसर इससे लेस कब है, 1 पर तो नहीं है, 2 पर भी नहीं है, 3 पर भी आंसर इससे लेस नहीं है, 4 पर है, 5 पर भी है, 6 पर भी है, तो मिनिमम क्या हो गया 4, तो इस क्वाइन को कम से कम 4 बार तो थ्रो करना पड़ेगा अगर ये प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 90% करना है। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे की टाइम के दोनों, अब बताओ क्या कि मैंने उस सबको ही आ गया, हां सर, कौन ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया हो, हम बताओ क्या गिवन क्या है, एक क्वाइन को टॉस करेंगे, क्या किया आपने, यहां पर इस बैच में सारे इंटेलिजेंट हैं, शायद औरों को आपसे भी ज्यादा आ गया होगा, ये एक्चुअल है, अब बताओ गिवन क्या है, एक क्वाइन को टॉस करा तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है हाफ, आप ही बता दो आपने क्या समझा, थोड़ा सा क्लियर कर जाएगा, इस क्वेश्चन पूछे कितने टाइम टॉस करें, तो लिखेंगे लेट द क्वाइन बी टॉस्ड, कितनी बार टॉस करना है, मान लो क्वाइन को हम टॉस कर रहे हैं n टाइम्स, आप समझ गए और क्या लिखना है, सर लेट x डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम्स या नंबर ऑफ हेड्स, x में से कितनी बार हेड आया, तो नंबर ऑफ हेड क्या हो सकता है, अगर n बार टॉस करें तो नंबर ऑफ हेड 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3, 4 और लास्ट से लास्ट n, कौन सी प्रोबेबिलिटी पता है आपको, प्रोबेबिलिटी किस चीज की प्रोबेबिलिटी, एट लीस्ट जो भी प्रोबेबिलिटी है एट लीस्ट 1 हेड की, उसका आंसर पता है, एट लीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी इज मोर देन, क्या है, मोर देन 90%, एट लीस्ट 1 हेड का मतलब 1 या उससे ज्यादा है, इन सब का जो आंसर है निकालना है, तो क्या करेंगे 1 में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0 और जो भी आंसर इज मोर देन 90% 90 आउट ऑफ 100, अब 1 माइनस बताओ क्या है, n से 0 n टाइम हमने टॉस करा है क्वाइन को, उसमें से पता है कि 0 बार हेड आया है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0, तो सारे के सारे n के n टाइम टेल आया, इससे क्या आंसर आया, at least one head का ये आंसर आ गया, that is more than 9 by 10, ये होता है 1, ये भी 1, अब ये plus 1 को इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, minus 1 का बचा minus, बचा minus 1 by 2 की power n is greater than, इसका आंसर आएगा minus 1 by 10, minus से minus cancel कर सकते हैं, reverse हो गया, तो ये इससे less कब है, जब n 4, 5, 6, 7, up to infinity तक, इन सब आंसर में minimum क्या हो गया 4, ये तो हो गए, तीन चार बच्चे ये देख लेंगे, मैं तो वीडियो में डाल देंगे देख लेना, अब नेक्स्ट टाइम हमारे पास सैटरडे को ना, सैटरडे को एक्चुअली मैं हूँ यहाँ पर, तो तुम आके अपने कोई पुराने देख लेना, कुछ सैटरडे को क्रिस्टो सर मिलेंगे, आप कौन सा लेगा, चीड़ी का लिया, चीड़ी के नोट्स आ गए थे पहले आपके पास, पहले वाले हां 96 अब वीडियो तो उसमें से कर लेना भाई, दो केस बैच की वीडियो से Thank you.
तो वो तीन का बात है सारे पता नहीं बाकी सब रहेगा सब बोले